शोएब अख्तर ने कहा, इस मुश्किल परिस्थिति में यदि भारत हमें 10,000 वेंटिलेटर देता है तो। नमस्कार दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी से जूझ रही है। इस समय तकरीबन पूरी दुनिया के लोग अपने घरों में बंद होकर इस महामारी को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। काम धंधा और रोजगार बंद हो जाने की वजह से इस समय दुनिया के तमाम देश अलग अलग तरीके से धन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके यहाँ पर आर्थिक विपत्ति उत्पन्न ना हो और इस महामारी से लड़ाई में भी मदद मिल सके। इसी पर बातचीत करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बड़ी बात कही है। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। शोएब अख्तर ने कहा कि संकट की इस परिस्थिति में मैं दोनों देशों के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का प्रस्ताव रखता हूँ। पहली बार इस श्रृंखला का नतीजा कुछ भी निकले, दोनों देशों में से किसी भी क्रिकेट प्रेमियों को इस बात से दुख नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विराट कोहली यदि शतक लगाता है तो हम खुश हो जाएंगे और बाबर आजम यदि शतक लगा देता है तो आप खुश हो जाएंगे। मैच का नतीजा जो भी निकले दोनों टीमें विजयी ही होगी। शोएब अख्तर ने आगे कहा कि इस मैच को काफी ज्यादा दर्शक मिलेंगे और पहली बार दोनों देश एक दूसरे के लिए खेलेंगे। इससे जो भी पैसे मिलेंगे वह कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों के बीच बराबर बांट दिया जाएगा। इस समय सभी लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, वहीं इन मैचों को भी देखेंगे। भले ही अभी नहीं बल्कि जब परिस्थिति सामान्य होने लगे तो यह मैच दुबई में खेले जा सकते हैं। इसके लिए चार्टर फ्लाइट का इंतजाम किया जा सकता है और इसकी वजह से दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध में भी सुधार हो सकता है। इसके आगे शोएब अख्तर ने यह भी कहा कि यदि भारत हमें इस मुश्किल परिस्थिति में 10,000 वेंटिलेटर देता है तो पाकिस्तान इसे हमेशा याद रखेगा। हम तो सिर्फ मैचों की पेशकश कर सकते हैं, बाकी काम अधिकारियों को तय करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।